देख रहे हैं एमपीसीजी एक्सप्रेस न्यूज। अगर आप हमारी खबरें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें। बड़ा मलहरा विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ा मलहरा में चुनावी सभाओं का दौर जारी हो गया है। आज बड़ा मलहरा की विधानसभा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के एक मंडल कार्यकर्ता सम्मेलन भगवा में भाग लिया। वहीं घुवारा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के काफिले में सैकड़ों की संख्या में चार पहिया वाहन थे, वहीं सैकड़ों की संख्या में दो पहिया वाहनों की रैली आगे आगे चलती नजर आई है। सभा में प्रदेश अध्यक्ष ने कमलनाथ को आड़े हाथों में लेते हुए जमकर हमला बोला। ही कहा कि कमलनाथ ने समूचे मध्य प्रदेश के विकास का पूरा पैसा केवल छिंदवाड़ा विधानसभा में लगाया है और कमलनाथ एक बिजनेसमैन मुख्यमंत्री थे। उन्हें ना ही धूप का ज्ञान था ना ही इस धूल का, उन्हें केवल बिजनेस का ज्ञान था। वहीं विधानसभा प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी की तारीफ करते हुए कहा कि प्रद्युम्न सिंह ने कांग्रेस छोड़कर बड़ा मलहरा के विकास को लेकर भाजपा में आए हैं। बाकी कांग्रेस ने जो क्षेत्र की जनता को छल और कपट किया है उन्हें जनता सबक सिखाएगी। घुवारा से टिंकू गोस्वामी की रिपोर्ट। लोगों को लगना चाहिए कि आज भगवा मंडल का सम्मेलन है और यहाँ के कार्यकर्ता ताकत और जोश के साथ अपने भरपूर उत्साह में हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज भगवा मंडल के इस कार्यकर्ता सम्मेलन के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के हमारे लोकप्रिय यशस्वी और जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस मध्य प्रदेश की राजनीति में इस क्षेत्र के बुंदेलखंड की जनता के लिए लगाया, ऐसे आदरणीय गोपाल भार्गव जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करेंगे। हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय बीरेंद्र रेड्डी जी और बीरेंद्र रेड्डी जी को भी मैं जानता हूँ छात्र राजनीति से, वो भी जिस पाठशाला से मैं निकल करके आया हूँ वो उस पाठशाला के पहले विद्यार्थी रहे हैं और पूर्णकालिक काम भी उन्होंने विद्यार्थी परिषद के अंदर किया है। आदरणीय बीरेंद्र जी जी हमारे मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के हाल ही में जी को जिम्मेदारी मिली है और भारतीय जनता पार्टी के हमारे महामंत्री के तौर पर जो जिम्मेदारी संभाल रहे हैं अपने बुंदेलखंड के हमारे विधायक आदरणीय हरिशंकर खटीक जी, हमारे प्रद्युम्न सिंह लोधी जी आज हमारे इस क्षेत्र के जो लोकप्रिय विधायक जो आज हमारे प्रत्याशी हैं, बहन श्रीमती ललिता यादव जी हमारी मंत्री रही मध्य प्रदेश के अंदर और बहुत बखूबी अच्छा काम उन्होंने मध्य प्रदेश शासन के अंदर किया, ऐसी बहन श्रीमती ललिता यादव जी और इस क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक दो बार रही, एक बार नहीं दो दो बार जिन्होंने इस क्षेत्र को संभाला, ऐसी बहन श्रीमती रेखा यादव जी मेरा जोरदार तालियों से उनका भी हम स्वागत करें। हमारे आदरणीय पुत्र पाठक जी विवेक चतुर्वेदी जी, श्रीमती अर्चना सिंह मुंडू जी, नारायण काले जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हम सबका मार्गदर्शन करते रहे ऐसे आदरणीय नारायण जी, हमारे प्रहलाद लोधी जी जो क्षेत्र के हमारे मेरे पन्ना के विधायक है मुंबई के और इनके पैर में बड़े समस्याएं होने के बाद इनके लिए तालियां इसलिए बजानी है कि इनके पैर में इतनी कठिन समस्या है लेकिन प्रद्युम्न भाई को जिताने के लिए वो जी जान लगा करके क्षेत्र में लगे हैं। ऐसे हमारे प्रहलाद लोधी जी, भाई राजेश जी हमारे बीच में उपस्थित है, राजेश जी हमारे चंदला के विधायक है, हमारे राकेश गिरी जी भी यहीं पर कहीं बैठे हैं शायद मुझे लगता है, राकेश गिरी जी भी टीकमगढ़ के हमारे विधायक है, राकेश गिरी जी, अमरेंद्र पटेरिया जी, चंद्रमान सिंह जी, जितेंद्र परमार जी, हमारे सतीश सरकार जी, द्रौपदी कुशवा जी, हमारे करुणेंद्र सिंह जी हमारे बैंक के हमारे अध्यक्ष यहाँ पर बैठे हुए हैं, ऐसे हमारे महामंत्री भाई अरविंद पटेरिया जी जो लगातार व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, ऐसे मंत्री पर उपस्थित सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण और जिनके नेतृत्व में सारी बातें जो हो रही है, हमारे जो जिले के अध्यक्ष हैं भाई मल्खान सिंह जी और हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई राहुल लोधी जी भी यहाँ पर उपस्थित है, ऐसे सभी लोगों को एक बार मैं चाहूंगा कि आप सब लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मित्रों हमारे मंडल के यहाँ के अध्यक्ष रवि प्रताप जी, महिपाल सिंह जी, छत्रपाल सिंह जी, बालकुंद राजपूत जी, जगदीश यादव जी, सुब्रत सिंह जी, श्रीचंद जैन जी,
सुख साहब जी, विनोद मेघने जी, राजू रेंगवार जी, अखिलेश लोधी जी और इस मंडल के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता भाई और बहनों, समय बहुत हो गया। विधानसभा के लिए रामसिया भारती जो भी भगवान धारण करती हैं, उनको प्रथम भैया के विरुद्ध में कांग्रेस ने उतारा है, आखिर कैसी क्या टक्कर दे पाएंगे? कांग्रेस का काम है वो किसको उतारती है, भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर। और प्रदुन भाई लोधी ने इस क्षेत्र के विकास के लिए सिंचाई की परियोजनाओं को हाथ में लेकर के वो आए थे। ये बुंदेलखंड की गरीब जनता के लिए पानी बहुत महत्वपूर्ण है, तो एक हाथ में विकास है और दूसरे हाथ में इस क्षेत्र की जनता के लिए संघर्ष करने वाले इस चुनाव को प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। कोई भी मैदान में आए, कांग्रेस जमीन खो चुकी है, कांग्रेस का झूठ और छल कपट पूरी बड़ा मलहरा की जनता भी जान चुकी है। उन्होंने जो वादे किए थे उन वादों को नहीं निभाया, इसलिए प्रवीण मोदी भारतीय जनता पार्टी के साथ। भाई साहब, कमलनाथ जी तो बता रहे हैं कि 28 में से 28 सीटें कांग्रेस ले जाएगी। राहुल गांधी की एजेंसी ने सर्वे किया। धन्यवाद।